Now, the third type of bipolar disorder are cyclothymic disorder. इसमें और प्रीवियस जो हमने बाइपोलर वन एंड बाइपोलर टू की बात की है, सिवेरिटी की बात है और ड्यूरेशन की बात है. पहले हमने देखा तो ड्यूरेशन कम है, सिवेरिटी ज्यादा है. हाउ एवर इफ यू लुक हियर, सो फॉर एटलीस्ट टू ईयर्स देर हैव बीन न्यूमरस पीरियड्स विद हाइपोमैनिक सिम्टम्स, डिप्रेसिव सिम्टम्स, एंड दे डू नॉट मीट फुल क्राइटेरिया. मतलब सिम्टम्स हैं, मतलब फुल फ्लेज एपिसोड नहीं है, लाइक मेजर डिप्रेशन का एपिसोड नहीं है या हाइपोमेनिया का एपिसोड नहीं है, बल्कि सिम्टम्स की शक्ल में वो नजर आ रहा है. लो मूड है, हाई मूड है, और लेकिन हाउएवर वो फुल फ्लेज जो बाइपोलर वन और टू का क्राइटेरिया वो ये मीट नहीं कर रहा. हाउएवर ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म है, ये एक क्रॉनिक कंडीशन है इन बाइपोलर डिसऑर्डर्स. ड्यूरिंग द अबव जो भी दो साल जिनके अंदर वो रिपोर्ट किया गया है उसका प्रॉब्लम, दो महीने से ज्यादा पेशेंट जो है वो सिम्टम फ्री किसी भी टाइम पे नहीं रहा. फॉर एग्जाम्पल दो महीने तक तो वो सिम्टम फ्री हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा वो सिम्टम फ्री नहीं रहा. सो देन यू विल बी डायग्नोजिंग दैम एज साइक्लोथिमिक डिसऑर्डर. क्राइटेरिया फॉर अ मेजर डिप्रेसिव मैनिक और हाइपोमेनिया हाइपोमैनिक एपिसोड हैव नेवर बीन मेट. एज आई सेड अर्लियर के जो सिवेरिटी का क्राइटेरिया है जिसमें हमने अभी बात की मैनिक एपिसोड की, मेजर डिप्रेशन की और हाइपोमैनिक एपिसोड की, वो फुल फ्लेज मेजर वो क्राइटेरिया ये मीट नहीं करता. सिम्टम्स हैं उसमें, बट द सिम्टम्स आर नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय एनी अदर साइकोटिक डिसऑर्डर और एनी अदर ऑफकोर्स मेडिकल कंडीशन. The symptoms are not attributed to physiological effect of substance or an other medical condition. So, agar wo this is always very very important to understand ke cyclothymic disorder ho, bipolar 1 ho, bipolar 2 ho, or for the matter of fact any psychological or psychiatric disorder ho, to aapko ye rule out karne ki zarurat hai ke kya wo kisi कोई ड्रग तो नहीं ऐसी ले रहा, लाइक ऐसी ड्रग जो कि जिसका इफेक्ट ही डिप्रेसेंट हो. फॉर एग्जांपल देर आर ड्रग्स जिसकी वजह जिनको सेडेटिव्स कहते हैं और जिनकी वजह से मूड लो हो जाता है, या कोई मेडिकल कंडीशन है जिसके एज अ रिएक्शन टू और एज अ मे बी कोर्स ऑफ द इलनेस भी बार दफा डिप्रेशन हो सकता है, या वो मैनिक फेज में जा सकता है. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल दैट आउट इन ऑर्डर टू डायग्नोज. और सिम्टम्स काज clinically significant distress or impairment in social, occupational or other impairment important areas of the functioning. So this has to be met too. ke zahiri baat hai agar 2 saal se ye problem uski chal rahi hai aur un 2 saal ke duran 2 mahine se zyada kabhi bhi wo symptom free nahi raha, to iska ye matlab hai ki uske social interpersonal relationship bhi affect hote honge, uski occupational functioning bhi ho sakta hai wo job continue na kar pa raha ho, ya agar kar raha ho to uske wo quality work na de pa raha ho, और अगर वो स्टूडेंट है तो वो शायद उसके जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो लो होना शुरू हो गई हो. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको असेस करें कि उसकी एम्पेयरमेंट किन किन एरिया में हो रही है. इट हैज टू बी इन ऑल एरियाज. यू नीड टू स्पेसिफाई इफ विद एंक्शियस डिस्ट्रेस, इज इट मैनिफेस्टेड विद एंजाइटी सिम्टम्स टू, सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिसऑर्डर है. अगर सब्सटेंस एंड मेडिकेशन इंड्यूस्ड है तो देन ऑफकोर्स दैट यू विल बी कॉशन्ड अबाउट द सिम्टम्स. बस दफा ये होता है कि मरीज काफी लंबे अरसे के लिए कोई दवाइयां ले रहे होते हैं फॉर अ सर्टन कंडीशन, और वो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन जो है उसकी वजह से भी बार दफा मूड के ऊपर इफेक्ट आता है. और वो इफेक्ट इसलिए नहीं आता कि साइकोलॉजिकली पीपल द पेशेंट्स शो रिएक्शन टू द इलनेस और टेकिंग मेडिकेशन, बट इनहेरेंटली बार दफा उनके साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि द पेशेंट में फील इधर रिलेटेड और फील इधर डिस्ट्रेस्ड, सो डिप्रेस्ड. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीजों को, ये स्पेसिफायर जो है उनको साथ लेके चले इन ऑर्डर टू clearly diagnose or give an accurate diagnosis to the disorder.